चलिए चलिए, कल का जो लेक्चर था हमारा, उसका नेक्स्ट पार्ट आज हम कर रहे हैं। तो कल हम क्या कर रहे थे, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था इसका, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, वो टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ था, जिसमें कि हम पढ़ रहे थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरुआत होने के, हमारे देश में जो आंदोलन चल रहा था आज़ादी का, राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, उस पर क्या प्रभाव पड़े द्वितीय विश्व युद्ध के, क्या घटनाएं घटी और उनसे किस तरह की नई बातें निकल के आई हमारे आंदोलन में। आपने देखा कि सुभाष चंद्र बोस ज़्यादा एम्बिशियस होके और उनके साथ कांग्रेस चल पड़ी। कांग्रेस में दो तरह के युवा जो है वो सुभाष के रास्तों पर चलना चाह रहा था, लेकिन जो थोड़े होश जो कॉन्शियस लोग थे वो गांधी के रास्ते पर चलना चाह रहे थे। और आगे चल के एक जल्दीबाजी में जो स्वतंत्रता प्राप्ति की जो एक हड़बड़ी थी, तो उसमें जो है सुभाष कहीं ना कहीं इंपीरियलिस्ट पावर्स का भी साथ लेने के लिए तैयार हो गए, जापान जर्मनी इन सब का, और इस वजह से गांधी जो है उस समय फिर उनको रास्ता अलग करना पड़ा और इस तरह सुभाष कांग्रेस से अलग हो गए। और उसके बाद फिर जो है आपने देखा कि इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट वगैरह शुरू हुआ, उन सब के बारे में कल हमने पढ़ा था। क्योंकि देखिए बात नहीं हुई थी, सुभाष चंद्र बोस ने क्या देखा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है युद्ध के समय खासकर, तो चूंकि जर्मनी जापान ये सब जो कंट्रीज थे इंग्लैंड के खिलाफ लड़ रहे थे, तो उन्हें उम्मीद थी कि जब ये खिलाफ लड़ रहे हैं तो हमारी उनसे मदद करेंगे, तो इसलिए वो उनसे मदद लेने के लिए तैयार थे। वो सोचे कि ठीक है जाके उनसे मदद ले लेंगे। नहीं गए ना, फिर आगे पढ़ेंगे, जापान गए तो सब हुआ ना, आजाद हिंद फौज ये सब गठन, आगे है अभी, तो जापान गए ना, सारी कहानी तो उनकी विदेश में हुई है, भारत में तो काम ही कम किया उन्होंने, ज़्यादा काम तो विदेश में किया जो है, सिंगापुर वहाँ गया, आज़ाद हिंद फौज बना, ये सब आगे आएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ चलिए, तो इसका अब नेक्स्ट पार्ट आगे कर रहे हैं। इन द मीन टाइम इम्पॉर्टेंट चेंजेस वर टेकिंग प्लेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो जैसा कि हमने कल देखा कि जब विश्व युद्ध चल रहा था तो दुनिया में कई तरह की घटनाएं उसके बीच में चल रही थी, बड़े बड़े बदलाव आ रहे थे। आपने देखा कि कुछ जैसे जर्मनी और इटली जो था फासिस्ट कंट्रीज, इन्होंने अपने पड़ोसियों पर हमला कर दिया, बहुत बड़ी घटना थी, पूरे देश को कैप्चर कर लिया, पोलैंड को सबसे पहले, और उस इतना बड़ा घटना होने के बावजूद दूसरे किसी देश ने कुछ नहीं कहा उसको, पढ़ा आपने कल, क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि ठीक है, क्योंकि देखिए आप अगर वर्ल्ड मैप पर देखेंगे तो जर्मनी जो है अपने ईस्ट की तरफ बढ़ा, पोलैंड, तो यूएस ब्रिटेन ये सबको लग रहा था कि ईस्ट बढ़ते बढ़ते पोलैंड आज बढ़ा है, कल को जाके बढ़ते बढ़ते रसिया पहुंच जाएगा, रसिया पर अटैक करेगा, तो साम्यवाद को, कम्युनिज्म को चुनौती देगा, कम्युनिज्म को खत्म कर देगा। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, इसको बढ़ने दो रसिया की तरफ, कुछ नहीं बोलो। तो इस तरह से बड़ी घटना जो कि इंडिया के नेताओं ने उसकी निंदा की, इस नीति की, ब्रिटेन और दूसरे देशों की इस नीति की बड़ी निंदा की, लेकिन वो तो अपने फायदे के लिए लड़ रहे थे ये लड़ाई। इन जून 1941 जर्मनी अटैक्ड द यूएसएसआर एंड इन दिसंबर 1941 जापान अटैक्ड द नेवल बेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एट पर्ल हार्बर। देखिए अब इसके बीच में थोड़ा शॉर्ट में यहाँ हो गया, थोड़ा सा बता दें, हुआ ये कि जर्मनी ने जैसे पोलैंड पर अटैक किया तो सब लोग कहे कि ठीक है कोई बात नहीं, करने दो, थोड़ा कुछ तो जो है सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है, कल को यूएसएसआर पर हमला करेगा हो सकता है। जर्मनी भी चूंकि उसका शक्ति बहुत बढ़ गया था, बढ़ता जा रहा था, और कई देशों पर, इंग्लैंड पर भी हमला कर दिया, ठीक है, फ्रांस को तो कब्जा ही कर लिया, पूरा एक ही दिन में फ्रांस पर कब्जा कर लिया, एक दिन में देश पर कब्जा कर लिया फ्रांस, और उसके बाद इंग्लैंड पर भी अटैक कर दिया। ठीक है, ये सब आप यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड वार का इवेंट सब वर्ल्ड हिस्ट्री में आता है ज़्यादा। और उसने फिर क्या किया कि रशिया से दोस्ती डिक्लेयर कर दी थी, जब रसिया से फ्रेंडशिप डिक्लेयर कर दिया तो ये सब सख्ते में आ गए, बोले हम लोग तो इसी उम्मीद में थे कि रसिया पर अटैक करेगा, और हिटलर जो है बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल था, किसी को पता नहीं होता था कि कल ये क्या करेगा। ठीक है, तो लोग सांस रोक के उसका सुन देखते रहते थे कि क्या करने वाला है। ठीक है, तो हिटलर ने जाके पहले तो वहाँ फ्रेंडशिप ट्रीटी कर लिया यूएसएसआर से, तो इनकी आशाओं पर पानी पड़ गया, बोले कि अब ये तो हम तो सोच रहे थे कि यूएसएसआर को तबाह करेगा, ये तो दोस्ती कर लिया, और दोस्ती कर भी लिया और कुछ दिन बाद जाके उसको अटैक भी कर दिया उस पर। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा कि जून 1941 जब उसका बढ़ता गया, क्योंकि देखिए रशिया बहुत बड़ा देश है, तो उस पर हमला करने के लिए पहले आपको दिमागी रूप से बहुत तैयार होना पड़ेगा कि इतने बड़े देश पर हम हमला करने जा रहे हैं।
क्या परिणाम हो सकते हैं उसके। तो पहले जब बाकी जितने बड़े देश थे उन पर हमला करके उसने लगभग कब्जा कर लिया था, फ्रांस को कब्जा कर ही लिया था, अपने आसपास के देशों पर कर लिया था, इंग्लैंड में भी लंदन तक घुसा हुआ था, ठीक है, इंग्लैंड में भी उस समय लंदन तक वहां पर एयर रेड चल रहा था, बड़ी कस की लड़ाई चल रही थी जर्मन फौज और रॉयल एयर फोर्स जो कि इंग्लैंड की एयर फोर्स थी उनके बीच में, और उस समय विंस्टन चर्चिल जो है वो कमान संभाले हुए थे लड़ाई का। तो बहुत ही बैटल ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है उसे या बैटल ऑफ लंदन कहा जाता है, वो वर्ल्ड हिस्ट्री में डिटेल में जाएंगे इसमें हम जब। हाँ, तो उसके बाद जो है फिर इसने जब इसके हौसले इतने बढ़ गए इसने जाके रशिया पर अटैक कर दिया, ठीक है, तो रशिया पर अटैक कर दिया। तो इन जून 1941 जर्मनी अटैक द यूएसएसआर एंड इन दिसंबर 1941 क्या हुआ, जापान अटैक द नेवल बेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एट पर्ल हार्बर। देखिए जो दो सबसे बड़े बड़े देश थे उन दोनों पर हमला हो गया, ठीक है, इधर जर्मनी ने बढ़ा और यूएसएसआर पर हमला कर दिया, जापान उधर वो भी बढ़ा जोश में और अमेरिका के पर मिलिट्री बेस पर जो कि उसका जापान के नजदीक उसका जो है एक मिलिट्री बेस था पर्ल हार्बर, ठीक है। बोलिए, हाँ नेवल बेस है, हाँ तो वही कह रहे मिलिट्री नेवल बेस है वहां पर पर्ल हार्बर, एक आइलैंड है पर्ल हार्बर, तो उस आइलैंड में जो है उनका पूरा मिलिट्री का बेस बना हुआ है, हाँ हाँ, तो वहां उस बेस का नाम है पर्ल हार्बर, तो हार्बर बंदरगाह को कहते हैं तो उससे नाम है। तो वहां पर जब हमला तो दोनों बड़े देशों पर, देखिए जर्मनी ने एक तरफ यूएसएसआर पर कर दिया और जापान ने आगे बढ़ के वो तो और इससे आगे बढ़ गया सीधे अमेरिका के उस पर हमला कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, देखिए बहुत बड़ी, आप अभी इसको चूंकि हम इंडिया पर अभी स्टडी कर रहे हैं तो इन घटनाओं पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन तो ये समझिए कि बहुत बड़ी घटनाएं थी कि एक तरफ जर्मनी जो है यूएसएसआर पर इतना सबसे बड़ा जो देश है दुनिया का एक तरह उस पर हमला कर दिया और दूसरी तरफ जो है जापान ने जो है जाके सीधे अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमला कर दिया जो कि अमेरिका उस समय मिलिट्री ये एटम बम बना चुका था, ठीक है, बहुत बड़ी शक्ति, एटम बम उसके पास लोग और उससे समझ लिए उस पर हमला कर दिया, ठीक है। तो यही कारण भी बना इनका फिर तबाही का आगे जाके। विथ दीज टू कंट्रीज वर ऑल्सो ड्रॉन इन टू द वॉर। तो इससे क्या हुआ इन घटनाओं से कि जो यूएसएसआर जो कि पहले इस विश्व युद्ध में नहीं शामिल था उसको कोई मतलब नहीं था इस विश्व युद्ध से, जब उस पर हमला किया तो वो भी शामिल हो गया, और यूएसए जो कि अब तक कॉलोनियल कंट्री नहीं था, इंपीरियलिस्ट नहीं था वो, ठीक है, सिर्फ एक अलग देश था जो कि बड़ा होकर और काफी अपना पावर डेवलप कर रहा था, वो भी जो है खिंच गया इस वर्ल्ड वॉर में विश्व युद्ध में, ठीक है। द एम्स ऑफ द कंट्रीज फाइटिंग अगेंस्ट फासिस्ट कंट्रीज वर नाउ क्लियरली स्टेटेड। तो अब क्या हुआ कि जब ये घटनाएं घटी तो जो देश इन फासीवादी देशों के खिलाफ लड़ रहे थे, ठीक है, जो लड़ रहे थे यानी कि जो इंग्लैंड हो गए, फ्रांस हो गए, इधर अमेरिका हो गया और इन सब इनके जो सहयोगी देश हो गए, तो ये जो देश थे जो कि फासीवादी देश जर्मनी इटली जापान यही तीनों मुख्य थे और इनके सहयोगी कुछ थे, तो इनसे जो लड़ रहे थे तो इन्होंने अपने लक्ष्यों को और स्पष्ट किया, ठीक है, क्योंकि पहले देखिए अमेरिका के पास लड़ने का कोई कारण नहीं था विश्व युद्ध, ठीक है, उसको कारण मिला इसी से कि जापान ने उसके मिलिट्री हार्बर पर अटैक कर दिया डायरेक्ट बिना कोई कारण के, ठीक है। दूसरी तरफ यूएसएसआर शामिल हुआ क्यों, क्योंकि उस पर जो है जर्मनी ने अटैक कर दिया तो यूएसएसआर इधर शामिल हो गया विश्व युद्ध में। तो अब जो है यूएसएसआर और अमेरिका भी इंग्लैंड फ्रांस और इन देशों के साथ आ गए इनके खिलाफ, तो अब जो है और स्पष्ट किए गए कि आखिर ये विश्व युद्ध क्यों हो रहा है, क्यों लड़ा जा रहा है और इनके खिलाफ क्यों लड़ा जा रहा है फासीवादी देशों के खिलाफ, है ना। तो वही यहां पर कहा कि द एम्स ऑफ द कंट्रीज फाइटिंग अगेंस्ट फासिस्ट कंट्रीज वर नाउ क्लियरली स्टेटेड कि आखिर किस लक्ष्य के लिए लड़ रहे हैं। होता क्या है लड़ाई के समय धीरे धीरे लक्ष्य जो है वो गायब हो जाते हैं, शुरुआत किसी और कारण से लड़ाई होती है और चल जाती है किसी और दिशा में, ठीक है ना। तो इसलिए उसको साफ साफ रखा गया कि आखिर ये लड़ाई किस लिए हो रही है। यहां पे लिखा हुआ है, हाँ, कहा गया सबके सामने कि हम क्यों लड़ रहे हैं इन देशों से, स्टेटेड मतलब होता है बताना।
ठीक है, दे एक्सप्रेस्ड देयर सपोर्ट टू द इंडिपेंडेंस ऑफ ऑल नेशंस एंड टू द राइट ऑफ ऑल पीपल्स टू चूज फॉर themselves द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अंडर विच दे वुड लिव। देखिए बड़ा समझने का ये बात था इससे पहले और अभी, अभी इससे पहले जो आपको बोला कि आखिर ये फासीवादी देशों के खिलाफ क्यों लड़ रहे थे, इस बात को और स्पष्ट किया गया दुनिया के देशों के सामने। उन्होंने ये कहा क्योंकि मदद चाहिए थी, बात तो ये था कि अब अपनी पीठ टूटी थी तो मदद चाहिए थी दूसरों से, तो उन्होंने क्या कहा दुनिया के देशों को, दे एक्सप्रेस्ड देयर सपोर्ट टू द इंडिपेंडेंस ऑफ ऑल नेशंस। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम दुनिया के सभी देशों की आजादी का समर्थन करते हैं जो पहले से खुद ही दुनिया को गुलाम बनाए हुए थे। जब इन पर हमला किया फासीवादी देश जो अभी शुरू किया था, कुछ ही देशों पर अटैक किया था, तो इन्होंने कहा कि दे एक्सप्रेस्ड देयर सपोर्ट टू द इंडिपेंडेंस ऑफ ऑल नेशंस एंड टू द राइट ऑफ ऑल पीपल टू चूज फॉर themselves द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अंडर विच दे वुड लिव। और अब यह भी कहा कि नहीं, दुनिया में सभी देशों के लोगों को यह अधिकार है कि वो किस तरह की सरकार के तहत जीना चाहते हैं, ऐसा चुनाव करने का उनको अधिकार है, तो इसलिए हम इसका समर्थन करते हैं और इसलिए हम फासीवादियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि सबका सहयोग चाहिए था, सबको ठगना था, तो इसलिए जो है उन्होंने, जो पहले खुद ही इंपीरियलिस्ट थे, पूरी दुनिया को पहले खुद ही बांटे हुए थे और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उसी के लिए हुआ था, तो अब जब ये लोग इनके खिलाफ जब मजबूत होकर लड़े और इनको मदद चाहिए थी, तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम दुनिया के सभी देशों की आज़ादी का समर्थन करते हैं और सभी देशों को ये अधिकार है, उनके जनता ही चुने कि उनको किस तरह की सरकार अपने यहाँ चाहिए। तो ऐसा बोल के तो ब्रिटेन फंस गया, क्योंकि भारत में भी ये लागू होगा। ठीक है, हाँ, तो यही देखिए समझिए, द वॉर दस बिकेम अ ग्रेट स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ ऑल नेशंस एंड फॉर डेमोक्रेसी। तो इसलिए ये जो युद्ध था, विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये जो है एक महान संघर्ष बन गया सभी देशों की जो है उसकी स्वतंत्रता, उसकी आज़ादी को बचाए रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए और लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए। क्योंकि ये जो देश थे वो क्या बोल रहे थे, देखिए, देवर अगेंस्ट डेमोक्रेसी। फासिज्म क्या था? डेमोक्रेसी के अगेंस्ट था। वो कहता है नहीं नहीं ये सबको चुनाव उनाव नहीं, हम लोग जो मजबूत लोग हैं, हम ही लोग को अधिकार है शासन करने का, हम लोग जो इस विचार वाले हैं, हम ही लोग महान हैं और हम ही को शासन करने का अधिकार है, ये सब लोग बेकार है, बाह्यात है। ठीक है, बिकॉज आप याद करिए फासिज्म जब बताया था, देवर अगेंस्ट डेमोक्रेसी, देवर अगेंस्ट जो है आपके इक्वेलिटी, ह्यूमन इक्वेलिटी, एंड दे एडवोकेटेड वॉर। कहते थे कि नहीं, युद्ध बल है तो युद्ध से धरती जीत लो, तो वही वाली बात है। तो इसीलिए यहां पर क्या देखिए, नेहरू ने क्या कहा था, याद करिए नेहरू ने क्या कहा था कि पीस इज इंडिविजिबल, फ्रीडम इज इंडिविजिबल। अगर एक जगह टूटा तो सब जगह टूट जाएगा धीरे धीरे। एक जगह शांति को खतरा हुआ, अशांति एक जगह हुई, वो धीरे धीरे हर जगह अशांति फैलाएगी। तो इसीलिए यहां पर यह हुआ कि ये जो विश्व युद्ध था ये सभी देशों की स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए एक संघर्ष बन गया, क्योंकि बचाना था। सभी लोग समझ रहे थे कि अगर फासीवादी जीत गए तो हर जगह उस तरह से कब्जा कर लेंगे और ये कर लेंगे, उसी तरह लागू कर देंगे व्यवस्था, समझ गए। विचारों का टकराव है जो आज अफगानिस्तान में चल रहा है, बहुत से देशों में चल रहा है, पाकिस्तान में चल रहा है, बहुत से देशों में चल रहा है। तो उसी तरह उस समय फासीवाद को हावी होने से रोकना था। देखिए गांधी क्यों खिलाफ थे इनके, नेहरू क्यों खिलाफ थे, और इसलिए सुभाष से अलग होना पड़ गया, क्योंकि वो अच्छे अपने देश की स्वतंत्रता के लिए ऐसे शक्तियों से दोस्ती करने पहुंच गए थे जो फासीवादी थे। और ये बाद में आगे पढ़ेंगे कि मतलब हुआ कि अगले दिन का प्रोग्राम था हिटलर से मिलने का, वहां तक बात चली गई थी, हाँ, लेकिन हिटलर ने मिलने से मना कर दिया था उस समय। तो हिटलर से मिलने तक का अगले दिन का प्लान बन चुका था। तो यहां तक जो है मतलब उनका मदद लेने की बात आगे हम पढ़ेंगे। तो यहां पर देखिए कि ये जो विश्व युद्ध था क्या बन गया, ये बन गया दुनिया में देशों की स्वतंत्रता और लोकतंत्र को बचाए रखने का संघर्ष। ठीक है, हाँ। बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड दैट द प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन डिड नॉट अप्लाई टू इंडिया। देखिए दोगलापन दिखा दिया ब्रिटेन ने अपना,
क्या कह दिया, बोला ये सब दुनिया बात ये हम लोग कह रहे हैं सब ठीक है, लेकिन ये जो अपने आप अपने यहां सरकार जो तय करने का अधिकार है भारत में लागू नहीं होगा, ये तुरंत कर दिया, बोल दिया कि नहीं नहीं सब जगह हम लोग चाहते हैं इसीलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये जो अपना यहां किस तरह की सरकार हो ये तय करने का भारत में सिद्धांत लागू नहीं होगा, क्योंकि भारत क्या था, इंडिया वाज क्वीन ऑफ जेवल्स इन द ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटेन के जो जिसका मतलब समझिए जो उसका जो सब जेवर ज्वेलरी था उसका वो जो है वो क्राउन था, एक तरह से हीरा था उसका, तो इतना आसानी से हीरा कैसे छोड़ देता ब्रिटेन जो है, तो कहा कि नहीं नहीं ये स्वयं तय करने का अधिकार भारत में नहीं लागू होगा जो है, इंडियन नेशनल हाँ सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब अपने आप ये तय करने का अधिकार कि हमारे यहाँ कैसी सरकार हो, अभी ऊपर कहा ना उन्होंने एक तरफ कहा कि नहीं नहीं दुनिया में हर देश की जनता को यह अधिकार है कि वहां कैसी सरकार के तहत वो जीना चाहते हैं ये उन्हीं को चुनना चाहिए, और फिर तुरंत कह दिया कि नहीं नहीं लेकिन ये भारत में नहीं अप्लाई होगा जो है, ठीक है। इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड अबुल कलाम आजाद हु कंडेम्ड फासिज्म एज द एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी said that the Indian people would join the fight against fascism once they were in control of the government of their country. तो भाई हमारे नेहरू जी और मौलाना जो है कम चालाक थोड़े थे, इन्होंने कहा जो भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे जवाहरलाल अबुल कलाम, इन्होंने कहा जो कि अबुल कलाम जब आपने पहले भी पढ़ा कि इन लोगों ने हमेशा से फांसीवाद की निंदा की थी, घोर निंदा, इन्होंने कहा कि दुनिया के लिए खतरा इस तरह का विचार उसको नहीं हमें बढ़ने देना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे हमारे फर्स्ट नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर, हाँ उन्हीं के नाम पर एजुकेशन डे उनके बर्थडे है। तो देखिए तो इन्होंने हमारे भारत के जो राष्ट्रवादी नेता थे जवाहरलाल अबुल कलाम आजाद जो कि हमेशा से फांसीवाद के विरोधी रहे थे, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता जो है इस युद्ध में तभी साथ देगी इंग्लैंड वगैरह का जब जो है वो अपना देश का जो सरकार है उसका उसको नियंत्रण अपने हाथ में हो जाएगा, पहले हमारे हाथ में अपने सरकार का भारत की सरकार का नियंत्रण दीजिए तभी हम इस युद्ध में आपकी मदद करेंगे, क्लियर हो गया ये। उन्होंने कहा कि ठीक है ये फांसीवाद का विरोध तो हम करते हैं लेकिन हम विश्व युद्ध में तभी ज्वाइन करेंगे शामिल करके आपकी मदद करेंगे जब हमारे यहां की सरकार है उसका कंट्रोल आप हमारे हाथ में दे देंगे, ठीक हो गया यहां तक, हाँ मानवता दुनिया सबके लिए। हाउएवर द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड टू प्रॉमिस इंडिपेंडेंस इवन आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर, लेकिन देखिए इतना आसानी से मानने वाला था, उन्हें कहा कि नहीं हम जो है ठीक है आपकी बात हम सब मान रहे हैं सही है लेकिन हम ये ऐसा प्रॉमिस नहीं करते हैं कि आजादी के युद्ध खत्म होने के बाद आपको आजादी दे ही देंगे, ऐसा कोई हम वायदा नहीं कर सकते हैं, मना कर दिया, वायदा नहीं किया ऐसा। इन अर्ली 1942 द वॉर सिचुएशन कंपेल्ड द ब्रिटिश टू ओपन टॉक्स विथ द इंडियन लीडर्स, तो एक आपने मुहावरा पढ़ा होगा मरता क्या न करता, तो वही हाल हो गया ब्रिटेन का जब उसकी हालत खराब हो गई जब हिटलर ने अटैक कर दिया, हिटलर ने जब इंग्लैंड पर ही अटैक कर दिया और लंदन पे ऊपर एयर रेड्स चल रहे थे तब क्या करता, तब तो उसको मरता क्या ना करता बचना ही था, तो फिर मजबूर हो गया भारत से बात करने के लिए भारतीय नेताओं से। तो इन अर्ली 1942 द वॉर सिचुएशन कंपेल्ड यानी जो युद्ध की स्थिति थी उसने मजबूर कर दिया ब्रिटेन को कि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत शुरू करे क्योंकि मदद लेना भारत का जरूरी था वहां पर, पीठ टूट गई थी, बड़ी मुश्किल से ब्रिटेन कब्जा ही हो जाता जर्मनी से, वो तो विंस्टन चर्चिल जैसा था नेता कि उसने इतनी मजबूत लड़ाई की उसी के कारण उसको फिर तो प्रधानमंत्री भी हुआ था, तो इसी इतना याद किया जाता है इसलिए आज तक विंस्टन चर्चिल को, हाँ उस समय जो लीडरशिप दिया था ब्रिटेन को और युद्ध में ब्रिटेन की हालत खराब हो गई, हाँ ब्रिटेन की हालत खराब हो गई थी, आर्मी का भी वो थे इंचार्ज।
तो लेकिन जो है उन्होंने बरकरार लंदन बढ़ने नहीं दिया था, आगे वहां तक रोके रहा था, कई दिन तक लड़ाई चलती रही थी, लगा तो था इतनी शक्ति थी हिटलर की उस समय कि जिस देश को चाहता कब्जा कर लेता एक दिन में, वो कहता था कि मैं जिस देश को दुनिया में चाहूंगा एक दिन में उस देश को कब्जा कर लूंगा, और ऐसी शक्ति भी थी उसमें। लेकिन परिस्थितियां समय का क्या करेगा, समय आपके अगर खिलाफ हो तो यूएसएसआर पर कब उसने किया था, बहुत अंदर तक घुस गया था यूएसएसआर में, लेकिन समय कहिए कि हिटलर का समय खराब था कि रसिया में जो है साल में 9-10 महीने जो है बर्फ जमती है, और उस बर्फ में उसके सैनिक ठंड से उनको आदत नहीं थी इतनी ठंड की, धीरे 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 ठंड में उनकी हालत खराब हुई। और उसने रसिया ने क्या कहा कि भले ही पूरे देश की फौज लग जाए उसको बढ़ने नहीं देंगे, वहां से रोक दिया, जहां पर एक जगह रोक, दो जगह लड़ाई चिड़ गई, दो जगह लड़ाई छोड़, इधर से भी लड़ाई किए हुए था, उधर से भी लड़ाई किए हुए था, पूरब से भी पश्चिम से भी। तो उसने कहा कि एक सीमा तक तो घुस गया था ठीक है, लेकिन बोला वहां से अब आगे नहीं बढ़ने देंगे, चाहे जो हो जाए, तो दम आन पर ही आ गए कि मरने जीने वाली बात हो गई। तो रेड आर्मी उस समय बड़ी नामी थी, रेड आर्मी कही जाती थी रशिया की। हाँ, तो रेड आर्मी ने जो है उसको बिल्कुल काफी अंदर तक पहले तो घुस गया, और रेड आर्मी का मनोबल बहुत टूट रहा था, लेकिन उस समय वहां का जो नेता था उसने कहा कि नहीं, रशिया का जो वो था कि नहीं, उसको किसी भी तरह हमें उसको रोकना ही है, उसको अंदर नहीं घुसने देना है, और कई महीनों तक एक ही जगह रोक दिया उसको। और ठंड में धीरे धीरे इनका रसद माल वाल खाने पीने का सब खत्म होने लग गया, सैनिकों की हालत इतनी ठंड पड़ने लग गई कि हालत खराब, ठंड से सिकुड़ते मर गए लोग उसके सैनिक ठंड से, और इस वजह से इतने सैनिक उसके मरे वहां पर कि उसकी हालत खराब हो गई जर्मनी की। और फिर घेर लिया, बाकियों ने भी मौका देख के चारों तरफ से जर्मनी को सुसाइड कर लिया था। तो चलिए आगे आएगा वो, तो इस तरह से। हाँ, जब फिर जर्मनी को घेरना शुरू कर दिया इन लोगों ने मौका देख के, जर्मनी पर अटैक कर दिया इधर से, उधर उसका फौज उसका फंसा हुआ था, इधर से फ्रांस वगैरह ने जर्मनी पर अटैक कर दिया। तो हाँ, नहीं इसमें अभी नहीं, आगे पढ़ेंगे। हाँ, तो ये देखिए, तो यहाँ क्या हुआ कि देखिए बताना चाह रहे थे कि मतलब बहुत तेजी से घटनाएं, और ब्रिटेन की हालत खराब हो गई थी, उसको ये डर था कि कभी भी जा सकता है ब्रिटेन पूरी तरह से जर्मनी के अंडर में। तो ऐसे समय में वो मजबूर हो गया कि भारतीय नेताओं से किसी भी तरह मदद करके भारत का समर्थन ले। देखिए, द ब्रिटिश फोर्सेस हैड सफर्ड हैवी डिफीट्स एट द हैंड्स ऑफ जैपनीज आर्मी इन मेनी कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, जो है यहां पर जो है साउथ ईस्ट एशिया में भी ठीक है, बहुत यहां जो कि जापान अटैक किए हुए था एशिया वाले पार्ट पर, तो साउथ ईस्ट एशिया जो आप देखिएगा इंडिया से नीचे साउथ की तरफ थाईलैंड और उसके उधर के जो देश हैं साउथ ईस्ट एशिया कहा जाता है, उधर भी ब्रिटेन का, तो वहां भी जापान ने अटैक करके बहुत नुकसान पहुंचाया था ब्रिटेन की फौजों को। ठीक है, द जैपनीज हैड ऑल्सो कंडक्टेड एयर रेड्स ऑन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। यहाँ तक कि भारत की भी जो उस समय म्यांमार वगैरह जो है भारत में आता था, तो वहां भी जो है अटैक किया था कई जगहों पर, भारत की सीमा तक भी जापान ने अटैक किया था। एट दिस टाइम सर स्टैफर्ड क्रिप्स अ ब्रिटिश मिनिस्टर विथ मिनिस्टर केम टू इंडिया टू होल्ड टॉक्स विथ इंडियन लीडर्स। ठीक है, तो ऐसे समय में जो है जो उनको मजबूरी हो गई कि भारतीय नेताओं से बात करनी पड़ेगी, ये समर्थन नहीं करेंगे तो फिर तो हम जो है हम ही गुलाम हो जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने एक जो है एक मंत्री वहां जो थे मिनिस्टर थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, उनको उनका एक कमीशन बना के ठीक है उनके साथ कुछ लोगों को यहाँ बातचीत करने के लिए भारतीय नेताओं से भेजा गया। इसी को कहा जाता है क्रिप्स मिशन, क्रिप्स स्टैफोर्ड क्रिप्स आए थे कुछ लोगों के साथ। तो देखिए, दिस इज नोन एज द क्रिप्स मिशन, क्रिप्स का मिशन इसे कहा जाता है। क्रिप्स थे उसके चेयरमैन और 3-4 लोग थे, तो इसलिए इनको जो है क्रिप्स मिशन कहा जाता है। हाँ, बातचीत करने के लिए। हाँ, होल्ड इस्तेमाल होता है जब बातचीत किया जाए, आयोजित वार्ता आयोजित की जाए, होल्ड टॉक्स। एयर रेड, हाँ मतलब एयरफोर्स से जो है अटैक कर रहा था। ठीक है, हाँ, द टॉक्स हाउएवर फेल्ड। ठीक है, लेकिन ये जो क्रिप्स मिशन था ये फेल हो गया, क्योंकि ये कुछ जो है ठीक ठाक कुछ देने का वादा कर नहीं रहा था, क्योंकि अभी भी इंग्लैंड पेशोपेश में था, वो अभी डर तो रहा था उधर से, लेकिन इधर घबरा भी रहा था कि सबसे कीमती सामान तो इंडिया ही था उसका, अपना सबसे कीमती माल कैसे दे देता जो है, छोड़ देता आसानी से।
तो उधर से तो पीछे से उधर से जापान जर्मनी उसकी हालत खराब किए हुए थे, अब इधर से तो लेकिन क्या करें, मजबूरी उधर से देखता है, इधर तो आगे पीछे चल रहा था। तो क्रिप्स मिशन जो है उसने भेजा, लेकिन कुछ बहुत जो है कुछ देने का वायदा नहीं किया। तो इंडिया के नेता कम समझदार थोड़े थे, बोले कि नहीं नहीं ये सब ठग रहे। उन्होंने गांधी ने कहा इसको पोस्ट डेटेड चेक, गांधी ने कहा क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब क्या होता है कि आप जो है आगे की तारीख के लिए एक चेक देते हैं ना लिख के, उसको पोस्ट डेटेड चेक कहा जाता है। ठीक है, एक महीना बाद आपको चेक दे दिया जाता है कि एक महीना बाद इस चेक को आप भुना सकते हैं। तो गांधी कहे कि आप कह रहे हैं इतने साल बाद दे देंगे, तो उस सब से हम क्या करेंगे, हमको अभी चाहिए, आगे का वायदा होता है वो सब ठगे हम नहीं आने वाले। तो पोस्ट डेटेड चेक कहा उन्होंने क्रिप्स मिशन को, कि वो सब नहीं अभी कैश निकालिए, पोस्ट डेटेड चेक वेक तो कौन भरोसा है, बाउंस कर जाता है चेक जो है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है फेल हो गया मिशन, क्रिप्स मिशन, क्योंकि तुरंत कुछ नहीं देने का वायदा कर रहे थे, तो लोगों ने कहा कि हमें पोस्ट डेटेड चेक। द ब्रिटिश वर नॉट विलिंग टू अग्री टू द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रूली नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, तो अभी भी जो है तैयार नहीं हो रहे थे कि एक राष्ट्रीय सरकार जो वास्तव में राष्ट्रीय सरकार हो, यानी कि यहाँ के देशों, यहाँ के जो लोग हैं उनके द्वारा बनाई गई सरकार और उनको शक्ति भी हो उस तरह की। तो ऐसी जो है राष्ट्रीय सरकार बनाने के लिए अभी भी वो तैयार नहीं हो रहे थे। दे ऑल्सो ट्राइड टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसेस। तो फिर सोचे क्या करें, फूट डलवाने की कोशिश किए, बोले कि बहुत ही लोग एकता हो गई इनमें, किसी तरह फूट डालने की कोशिश की जाए, पुराना आदत। तो इन्होंने फिर से प्रिंसेस को उकसाना शुरू किया कि भाई आप लोग क्यों समर्थन कर रहे हैं ब्रिटिश इंडिया के जो है लोग हैं इनका, आप लोग अपना अलग मकसद समझिए। तो उनमें फिर से जो सह देने का कोशिश किया देसी रियासतों के राजाओं को। वाइल दे एग्रीड टू द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दे इंसिस्टेड दैट द इंडियन स्टेट्स इन द असेंबली वुड बी रिप्रेजेंटेड। While they agreed to the demand for a constituent assembly, they insisted that the अच्छा सुन लीजिए कोई बात नहीं, दो चार लाइन छूट गया आप लोग का, उसको देख लीजिए, लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर कहा गया कि while they agreed to the demand for a constituent assembly, they insisted that the Indian states in the assembly would be represented by the nominees of the princes and that the people of the states would have no representation in on it। ठीक है, उन्होंने जो है जब ये बातें चली, और मैंने बताया कि देसी रियासतों के जो शासक रूलर्स थे उनको सह दे रहे थे, तो उन्होंने जो एग्रीमेंट किया ब्रिटिश ने, उन्होंने कहा कि ठीक है आपकी संविधान सभा की जो मांग कर रहे थे, ध्यान है ना, कांग्रेस संविधान सभा की मांग कर रही थी, उन्होंने कहा ठीक है संविधान सभा आप बना सकते हैं उस पर हम राजी हैं, लेकिन जो देसी रियासत हैं, देसी जो रियासतें हैं, चूंकि उनको भी शामिल करना था, तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो इन्हीं के द्वारा नॉमिनीज होंगे, यानी कि इन्हीं के द्वारा उनको चुना जाएगा, राजाओं के द्वारा ही उनको किसी को चुन के भेजा जाएगा संविधान सभा में अपने प्रतिनिधियों को, उनको जनता चुनने उनने का अधिकार वहां की जनता को नहीं होगा। समझ गए क्या मांग किया था ब्रिटिश इंडिया के लिए कांग्रेस ने, कि संविधान सभा का गठन किया जाए जिसके कि मेंबर्स जो हों वो चुनाव के द्वारा, और उस चुनाव में सभी जो भी वयस्क हैं उन सबको वोट करने का अधिकार, ऐसी मांग की थी। तो इन्होंने कहा कि ठीक है जहां तक ब्रिटिश इंडिया भाग है वहां तक के लिए हम आपका मान रहे हैं बात को, लेकिन जो देसी रियासतें हैं वहां चुनाव उनाव नहीं होगा, वहां के राजा जिसको भेजेंगे आपको उसी को उनका प्रतिनिधि मान के उनको संविधान सभा में शामिल करना होगा। समझ गए, हाँ, तो बना ना आगे संविधान सभा बना ना, तो इन्हीं बातों के साथ तो यहां पर वो मान गए थे जिसको कि, लेकिन इन लोगों ने नहीं माना उस बात को, तो इसीलिए फेल हो गया क्रिप्स मिशन, इसीलिए फेल हो गया, आपने पढ़ा ना क्रिप्स मिशन फेल हो गया। ब्रिटिश ये मान रहे थे कि ठीक है ब्रिटिश इंडिया जो है वहां आपने जैसा कहा संविधान सभा चुनाव के द्वारा
वो हम मानते हैं, लेकिन जो देसी रियासत है वहाँ से जिनको वो राजा लोग वहाँ के भेजेंगे, यानी राजा क्या भेजेंगे, ब्रिटिशी सरकार जिसको कहवाएगी वो मानेंगे, तो उन लोगों को ही आपको प्रतिनिधि मान के शामिल करना होगा। तो ये देखें तो फिर फायदा क्या होगा सब, फिर तो वहाँ ब्रिटिशी घुस जाएगा इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली तो वो ब्रिटिश का ही रिप्रेजेंटेटिव घुस गया, और फिर वो जैसा ब्रिटिश वो लोग कहेंगे, तो चूंकि उनकी संख्या भी बहुत थी, देखिए समझिए उनकी संख्या बहुत थी, 562 रियासतें थी, तो उनके मेंबर्स भी उतने ही होते, बहुत होते, और वो लोग फिर जो कहते वो करना पड़ जाता है, तो ऐसी संविधान सभा का क्या फायदा जो फिर ब्रिटिशी की बात को संविधान में बनवा देता, वही हो जाता। तो इसलिए इसको इन्होंने मानने से मना कर दिया, क्रिप्स मिशन फेल हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा जो है खत्म हो गया यहाँ पर, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट या एंड इट्स इफेक्ट ऑन द नेशनल मूवमेंट, द्वितीय विश्व युद्ध में जो घटनाएं घटी और उनका हमारे देश में जो आंदोलन चल रहा था, जो स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, उस पर जो परिणाम, उसके जो असर हो रहे थे, उन चीज़ों को हमने इस टॉपिक में पढ़ा। इंसिस्टेड, इंसिस्टेड का मतलब उस पर बल देना, उस पर उसको दोहराना बात को बार बार कि ऐसा करना है। इंसिस्ट का मतलब होता है ना कि नहीं नहीं मैं आपको इस पर और वो कहता हूँ कि ऐसा ही करिए, आप नहीं कोई चीज़ करना चाहते हैं, आपसे ज़बरदस्ती करवाने के लिए इंसिस्ट किया जाता है कि नहीं सविनय हम आग्रह करते हैं करिए ही, नहीं करिएगा तो जाइएगा कहाँ।